वक्रतुंड महाका सूर्य कोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे दे सर्वकारेषु प्रथमे गुराचि को वंदना द्वितीये आदि गणे तृतीये सुमरु शारदा कंठ करो प्रवे गाये हो गणपति जगवंदन गणपति जगवंदना गाइए हो गणपति जगवंदना गाइए हो गणपति जगवंदना गाइए हो गणपति जगवंदना पसंद सुंदर सपना हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन
सवार विभूति प्रदाता जी सवार विभूति प्रदाता गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन सकर सुवन भवानी के नंदन सकर सुवन भवानी के नंदन सकर सुवन भवानी के नंदन गाइए हो गणपति जगवंदन 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 गाइए हो गणपति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहू सुरभूप प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय बोलिए पावन ग्राम सांकरा की पावन ग्राम सांकरा की संत समाज की जय जोर से जय कहना है चलो चलो एक गांव ताकत लगाओ निवेदन करथन ये सांकरा से हंसदा तक जाना चाहिए बेरला तक जाना चाहिए बेमेतरा तक जाना चाहिए ठीक है चलो एक बार ताकत लगा सबसे निवेदन माता बहनी मन से हमारे भैया मन से बहुत जन के संख्या है यहाँ अतका जोर से जय बोलाओ जे मन सूते है ते मन ना खटिया लूट के आ जाए लहरुआ महू जय बोला लाओ हाथ ला ऊपर करो कथो हाथ ला आओ चलो हमन जगन्नाथ भगवान के एक बार दर्शन कर ले था नी जगह ले तैयार हो बोलो जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथपुरी की अयोध्यापुरी की काशीपुरी की जनकपुरी की अमरीशपुरी की चलो ओकरो जय हो काबर वहू पितर बन गए है ना है अमरीशपुरी गलो पितर बन गए जी है ना भाई संसार ले जे जाते थे का बनते पिता आवाज पितृ मिलन के कार्यक्रम है और परम सम्मानीय गोलोकवासी स्वर्गीय दादा शंकर लाल साहू जी और पूजनीय माता स्वर्गीय श्रीमती बसंताबाई साहू आप दोनों के भगवान के चरण कमल में स्थान बने हैं और धन्य है उगर परिवार और संगे संग स्वर्गीय मोहन लाल साहू जी जेमन पितृ देवता के रूप में आज हमर साहू परिवार में आकर के भोग लगाए है ना हम समस्त जतका यहाँ बैठे हैं है ना पितर भात खाक बैठे हैं पितर भात काबर के है जथेला पितर देवता के भाग ला हमन पाए हन घलो ओमन तो भाग ला पाए छे लेकिन हमन बड़े सौभाग्यशाली हन कि वो पितृ देवता मन के नाम से राम कथा सुने के भाग्य पाथन प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की एक बार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्री गैंदराम साहू जी
आदरणीय श्री दातुराम साहू जी, श्री रामेश्वर साहू जी, श्री सेवा साहू जी, आप समस्त साहू परिवार ला और हमर परम मित्र भाई टुकेश्वर साहू जी, जम्मो हमर साहू परिवार के सदस्य मल्ला, हम सब एक बार ताली बजा करके धन्यवाद देथन कि हमर जैसे अबोध अज्ञानी लैका मल्ला बला करके राम कथा कहे के अवसर प्रदान करे है। और बहुत बहुत धन्यवाद देबो हमर फेमस यूट्यूब चैनल त्रिलोक स्टूडियो रायपुर गुड़ियारी वाले आदरणीय तिलोक भैया जी साहू जी ला कि आपके माध्यम से हमर कार्यक्रम है जनमानस तक पहुँचते। और भैया जी के चैनल ला आप मन भी बड़ा प्यार दे थो आओ दो है ना, पूरा छत्तीसगढ़ में प्रेम मिले, एक बार जोरदार ताली बजा के साहू जी के लिए हम सम्मान करथन। अतः खराब मौसम में भी भैया जी है यहाँ आकर के सुंदर हमर रामायण के कार्यक्रम ला रिकॉर्डिंग करे थे और यूट्यूब में आप सब ला कल मिल जाही। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आओ सज्जनों, समय हो गए है लेकिन कही थे जब जागा तभी सवेरा है ना मातरम, जतका बेर जागबे उतके बेर बिहनिया होते कथे। हम अभी जागा थन, सूत गेते मन सूते, ऐसे सोना भी जरूरी है ना, सोना भी जरूरी है, कभू कभू जागना भी जरूरी है। हाँ अच्छा हमन जागा थन ते अच्छा काम बर जागा थन, बताओ अच्छा काम बर जागा थन ना, राम कथा सुनना बहुत बढ़िया काम है ना भाई। तो आओ पावन कथा प्रसंग में ले चला आप सबला पूजनीय माता जी के, आज हम पितृ के सुंदर पूजा करे हन। माता आज पितर बन कर के आईस, दादाजी पितर बन के आए है, हमर भाई जी पितर बन के आए है स्वर्गीय मोहनलाल साहू, तो पितृ के कथा हो जाए। और वैसे पावन कथा रामचरित मानस में पितर मल्ला तारीस केवट महाराज, धन्य है केवट, और केवट के भाग्य ला आज तक जतका सब कोई सराहना करते। काबर पितर है केवल, पितर है केवल ना, केवल और केवल परिवार अपन पुत्र लग लैकल छोड़ के जाए रहते ना, तेकरे भरोसा माथे और काकरो भरोसा में नहीं आए। अगर परिवार के मन है ओला आ करके भाग नहीं दी, होम जग नहीं देथन वो है, होम जग देथन आओगा बड़े बेटल बलाओ, मंझला बेटल बलाओ, नातिल बलाओ है ना, बेटी मल्ला बलाओ, सब कोई पितर ला भाग दी कथा है ना। तो केवट महाराज है भगवान के चरण ल धोईस त एके झन वो है ओकर लाभ ला लीलिस, धन्य है केवट महाराज, चरण ल धोईस अपन पितर मन ल तार दीस। बोलो सियावर रामचंद्र की, है ना, पितर मन ल पार कर दीस। ऐसे कोई भक्त है रामचरित मानस में है ना भाई, केवट जैसे भक्त नहीं, जिला अटपटा भक्त कहे गए, अटपटा अद्भुत। हाँ जिला समझ नहीं मिलीस भगवान घलो कही दीस, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। तो आओ बड़ा आनंद आई ये कथा प्रसंग ला सुनबो है ना, केवट महाराज के पावन कथा है। तो एक औ भजन हो जाए, औ भजन है काएगा अभी बार टानी के आओ है ना। तो सबसे निवेदन है भाई भजन में सब सहयोग करो, दस दस बीस बीस रुपया उसने नहीं कहा तो ताली बजा के कम से कम वो ना, ना। और ताली नहीं बजा ही ना, बोल कहते ना हमार गुरुदेव है जंगल में रथे कोलिया ते करते हुआ हुआ, जंगल में रथे कोलिया ते करते हुआ हुआ, और जे ताली नहीं बजा ही ना ओकर मूड में हो ही खस खस ले जुहा। चलो भाई हमार तबला वाला छोड़ भाई ठीक है। हाँ चलिए एक बार ताली बजा करके जयकारा हो जाए, चलो जयकारा लगाओ। बोलो दुर्गा देवी की, कालिका देवी की, महामाया देवी की, चंडिका देवी की, लेनवो तुम्हारो मन के जय बोलावो। चलो चलो हाथ ऊपर करो, बोलो अपने अपने माता पिता की, दुर्गा देवी की, शीतला देवी की, जोर से जय बोलाओ ना, खल्लारी देवी की, हाँ कालिका देवी की, श्री देवी की। चलिए भाई श्री देवी मतलब माता लक्ष्मी हरे और कोई दूसरा नहीं हो। आइए प्यारा से भजन जिला आप सब यूट्यूब के माध्यम से प्रेम देते हो स्नेह देते हो।
प्रेम से मिलना प्यारे दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेषमा बंदे मिल जाए भगवान रे मिल जाए भगवान रे महका करो ठिकाना प्रभु मोनो नयापन बना ले
मैं का करूं तोर बिन जिया नहीं जावे राखो मैं का करूं मैं का करूं मैं का करूं तोर बिन जिया नहीं जावे राखो मैं का करूं मोर दिला कुछ पावे नहीं और तोर बिन कुछ सुहावे नहीं मोर तोर बिन कुछ सुहावे नहीं मैं का करूं मैं का करूं तोर बिन जिया नहीं जावे राखो मैं का करूं मैं का करूं तोर बिन चैन ना आवे राखो मैं का करूं राखो मैं का करूं लखन सिया राम चंद्र की जय हम अल्लाह कुछ कर रहे हैं ना है हमारे गायक भैया गा दीस मैं का करूं तो तहु मन तो कुछ ना कुछ कर सकत होगा काय के हमें यहाँ ताली बजाना है धन्यवाद काकर वर बजाए ताली हमर मन बर नहीं हमर मन में बजाए कोई जरूरत नहीं है वो भगवान के लिए पितर मन बर ताली बजाओ भाई जब पितर के नाम से अतेक रात के रामायण सुना थन पढ़ा थन प्रेम से बोलो पितृ देवता की अपने अपने माता पिता की तो सज्जनों केवट महाराज ही ऐसे एक भक्त है जे अपन पितर मन ल बितारिस है न और पितर मन है पुत्र के हाथ से याद रखो एक ठन बात ल जे पुत्र है अपन पिता ल अपन माता ल अपन पूर्वज मन ल पानी देते है ना जला हमन का कथन जलांजलि कथन जलांजलि है ना अंजलि में करके पानी देते है ना भाई होम जग देते परिवार ला चार जन ला भोजन कराते गांव के वही पुत्र हा असली होकर श्राद्ध करैया हरे अब केवट महाराज के पूर्वज मन चल दे रही है लेकिन केवट महाराज अच्छा अच्छा मौका मिले है ना उतका सुंदर मौका कोई नहीं मिलिस अब एक ठन विशेषता का है बताओ भगवान ल मजबूर कर दिस ऐसे कोई भक्त नहीं है जो भगवान ल मजबूर कर दे लेकिन कही थे का कि कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव खड़े कतका सुंदर बात है भगवान हा गंगा नदी पार करे बर आए जे भगवान हा तीनों लोक ला नाप दिस तीन पग पृथ्वी मांगिस राजा बलि से है ना राजा बलि कहते महाराज तीन पांव पृथ्वी का करू तू मन है वामन भगवान कहते ते तीन पांव पृथ्वी दान में देनगा मोलोत्की चाहिए किस है दू पांव में पूरा सृष्टि ला सब ला तीनों लोक चौदह भुवन सब ला नाप दिस एक ठन पांव बाँचीज गे राजा बलि कहते मोर मुड़ी में राख महतारी मन उसने नहीं कहता वह लड़का कहीं ज्यादा उपद्रव करते ना मोर मूड में चढ़ जा तब मूड में चढ़ जा एकर मतलब का है मूड में चढ़ाना तेकर मतलब का है तुम अल्लाह बतात हो आजकल के लड़का मन सही में उसने मूड में चढ़े ये देख ठन तमाशा मोबाइल है लड़कल कुछ नहीं चाहिए मोबाइल चाहिए जी हर घर के बात का हाथों में है एक एक घर के बात नहीं हो हाँ घर में गैस मतलब मोबाइल चाहिए मूड में चढ़ाए हंसते हैं जी ऐसने एक जन लड़का है महतारी करा बाप करा पर उपद्रव करे अटपटा केवट महाराज गलो लड़का बन के भगवान करा उसने अटपटा भक्ति देखी तब तो वो लड़का है ना अपन मम्मी का है मम्मी ऐसने बैठे रहती ना रामायण तीन दिन के रामायण हो वो तो रामायण सुने लाते तो महतारी मन है लड़का मन लकोरम बैठार रथ कोरम बने बैठार रहते और सूझ जाते लड़का मन अक्सर करके है महतारी तब होल पाच रहते तो ओकर जो लड़का रहा है ना ते बार बार कहा है उठ के मम्मी सुसु जाऊ मम्मी सुसु जाऊ ऐसने अंगरी देखा है चीनी अंगठी सुसु जाऊ नहीं कहा बेटा उसने रे अबर जन बैठे है देख तो काय कहा
गाना गाए जाहूं ऐसे कर, गाना गाहूं ऐसे कहे कर, तो ओकर महतारी हा ओला सिखोय रहे लइका ला, गाना गाहूं कबे तहन में समझ जाऊं है, मैं तो जा कहूं, जा गाना गा का जा बेटा ऐसे कहूं, ठीक है। अब तीन दिन ले रामायण हो, तीन दिन ले सुने बर ऐस, तीन दिन में लइका एकदम एक्सपर्ट हो गए, हाँ ऐसने लागे ना मम्मी गाना गाहूं, जा बेटा गाना गा का जा, मम्मी गाना गाहूं, हाँ बेटा जा गा का जा। अब तीन दिन के रामायण होइस ना, ओकर बाद घर में अब आराम करिस था, ओकर पापा हौल पाए रहा, ए देखे हमार पार्वती दाई आगे है नी, और माता पार्वती आगे मतलब शंकर भगवान आहिच, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक आध जगह बैठे गलो हो सांप लपेट के है नी, नितर में अपन अपन धाम में होइगा। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली माता जी के लिए, प्रेम से बोलो उनकी जीवन भक्ति की 20 रुपया के सम्मान राशि भगवान में समर्पित करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दे थन दाई ला। तो वो लइका ला ओकर पापा हा पाए रहा खिलात रहेगा कमरा में। अब लइका अब आदत पड़े है पापा में गाना गाऊं, पापा में गाना गाऊं, चल बेटा अतक रात हो गए रे काला गाना गावे, नहीं पापा एकदम जरूरी है मैं गाना गाऊं। मत का बेटा तोर मम्मी सूते है वो देखत नहीं, नींद पर गए, गाना नहीं गाए रे अतक रात के, गाना नहीं गाए। ओकर पापा कहा थे, लइका कहते नहीं पापा अभिच्चे गाऊं, अभिच्चे गाऊं, ले चल मोर कान में धीरे से गा, कान में गावे भाई धीरे धीरे गावे, हाओ पापा इसे की तहन धीरे धीरे गाना गा दीजिए कान में। बोलो लखनसिया रामचंद्र की। ओकर पापा कथे कैसे करथस रे ई हद गाना एक कथे। सज्जनों जीवन में अटपटा भक्ति कौन करिस, ओ हरे केमट महाराज। भक्ति कई प्रकार के है, लेकिन हमन ला भगवान ला कैसे मनाना है ये हमर भाव के ऊपर है। भाव के भूखा रथ है भगवान, है प्रेम के भूखा रथ है, और कैसे प्रेम निर्मल मति जन सो मोहि पावा, कैसे निर्मल मति जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। मोला कपटी स्वभाव पसंद नहीं है, छल छिद्र वाला पसंद नहीं है। जे आदमी कपटी स्वभाव के है, छल छिद्र करने वाला है, छल कपट वाला है, वो मोला नहीं पा सके। भगवान राम ला लगीस एक केवट के अंदर में ना कोई प्रकार के छल कपट नहीं है, सीधा से कीजिए तो है ना। मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। कथा के शुरुआत ये चौपाई से होते। भगवान कहते एक केवट भैया तो डोंगा लानबे का जी, मोला वो पार जाना है, मैं डोंगा में चढ़ा लेते। तू मन्नी कथो ये बेरला जाना रही, एती जाना रहते कोई भी तरफ, बस वाला कबे ए बस वाला भैया बैठारबे का, तो बस वाला मल्ला तो चाहिए ना सवारी। तीजा समय देखे कतका भीड़ रहते हैं, ऐसे लटक के जाए लाग थे बेंद्रा कस ता हैं, वो मल्ला तो कतको हम आ जाए, लेकिन केवट महाराज कहते नहीं नहीं भैया मैं तोला डोंगा में नहीं बैठा रहा, मैं तोर मरम ला जाना थो, मैं तोर मरम ला जाना थो प्रभु राम, मैं तोर मरम ला जाना थो। और मरम काला कहते मा राम ओल उल्टा पढ़वे तब होल मरम हो ही, मा राम मा राम। और का मरम है भगवान के, और केवट कौन से मरम ला जाना थे। एक छोटे से भजन के बाद बोलो लखनसिया रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रे रामचंद्र की जय। दो अक्षर के राम बने हैं, दो अक्षर के सीता, मोह माया सब वृथा है जगत मां, औ पढ़ ले रामायण गीता, औ पढ़ ले रामायण गीता।
प्रशंसा, क्या बात है, मीठी मीठी ताली हो जाए। केवट महाराज जी के कहना है कि प्रभु तोर पांव में जादू है, और जादू काला कथे आप मन सब जानते हो। पहली जादू वाला मन आए है ना, जादू मतलब कहीं चीज ला दूसरा चीज बना देना, एला कथे जादू है ना भाई। भगवान के सच में होकर पांव में जादू है, वो तो जादूगर है जी। हाँ, जादूगर, सबसे बड़े जादूगर कौन? भगवान है, ओकर से बड़े जादूगर कोई नहीं है। केवट महाराज कहते प्रभु, एक समय के बाद वो कथल में सुने हो, ते हाँ जब पथरा ला एक कन छुएस ना पाँव में, तो वो नारी बन गई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। एक कठवा के है ना, मोडोंगा काय के कठवा, और कठवा वो पथरा में अंतर है भाई, बताओ। हावे नहीं, वो कठवा हा पथरा हा कति ज्यादा वजन रहते बताओ? पथरा ज्यादा वजन रहते ना, है नहीं भाई, और कठवा कम वजन रहते। पत्थर के थोड़ा ज्यादा कीमत है, टाइल्स लगाए हो टाइल्स,
मार्बल का थे का संगमरमर, वो संगमरमर की कीमत ज्यादा है, पटनी की कीमत कम है, लकड़ी की कीमत कम है। भगवान लकीस केवट है सबसे ये हकत करते तो छैया पड़ जाई तत्किम नारी बन जाई भगवान। तो एक काम करना कैसे, ते मोला कम और पावला धोले की के ते मोला का कहा भगवान की ही केवट अच्छा ते मोल फंसा थस मोर पावला धोए का जरूरत है जी। ओ बन गे सो बन गे रे भैया, तो डोंगा नहीं बने मई लोगिन जी। ओ ते नहीं जानस परम सम्मानीय मोर बड़े भैया गौकरण यादव जी, आपके तरफ से सादर भगवान के चरण कमल में 21 रुपया। और तोरो फोटो आई भैया पैसा दे देते हैं यूट्यूब में, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा है ना, जे पैसा दे बार आई ओकर फोटो आई, आप समझ लो बोलो लखन सिंह रामचंद्र की। केवट महाराज के कहना है भगवान ते मोल का मोर पावला धोकी के तब मैं धोहू कहा थे, समझेगा। अब केवट महाराज के बात ला सुन के भगवान राम मुस्कुरावा थे, अरे यार मोला तो गंगा नदी पार जाना छे। ले केवट महाराज ठीक है, ले ठीक है भाई ते धोले मोर पावला धोले चल, लेकिन जल्दी कर भैया हमला जल्दी जाना है। हर आदमी थोड़ा जाए बार जल्दी च रहेगा, अक्सर देखू नी तन में ना कोई भी मोर देगा टाइम नहीं यार जल्दी जाना है जल्दी, ओ जल्दी च में रहते हो और जल्दी जल्दी में ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होते। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान कथे ले धो रे भाई, तो केवट कथे में एक झन नहीं धो, एक झन नहीं धोस तो ये दू ठन पाँव जी, अब बड़कन पाँव थोड़े है, अब मोरेज पाँव लतोल धोना है, मोर पाँव लतोल धोना है, कतक बेर लागी जी पाँव धोई में, एक झन धो धर में भैया। केवट कथे नहीं प्रभु, ता आज मौका मिले है अवसर मिले है, मैं एक झन नहीं धो ता कौन ला बलाबे, मोर पारा भर के केवट पारा भर के बलाहूं की, मोर केवटीन घलो आही मोर कका बड़ा सब भाई बंधु मनाही और सब परिवार के साथ तोर पाँव ल धोबो की। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये हरेगा भक्ति, प्रसाद मिलते ना माता राम, एक झन प्रसाद नहीं खाना चाहिए, हाँ प्रसाद है एक झन के खाए के नहीं हो, प्रसाद ला बांट के खाबे ना तो ओकर ना असली परिणाम मिलते, असली बांट के खाना चाहिए। आदरणीय आनंद भैया डिजिटल साउंड सर्विस, हमार सांकरा वाले भाई साहब जेकर बेहतरीन साउंड सर्विस के आप सब आनंद ले थो, और 20 रुपया के सब प्रेम भेंट दे, एक बार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा, प्रेम से बोलिए उनकी जीवन भक्ति की। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जिला, आओ केवट महाराज के कहना है मैं धोहूं लेकिन परिवार के साथ, जल्दी कर भैया तोर परिवार ला बला बलई से अपन परिवार ला। ए वो केवटीन एतिया का हो गए, मछली रांधत हो, मछली रांधता है जी केवट मन के बूता, मछली धरना है ना भाई, डोंगा चलाना पहली की बात भाई, अब अलग अलग बूता करत सब। हाँ अब तो हर आदमी मछली धरत ना, यादव जी मछली धरत है, साहू जी मछली धरत, हमार तरफ तो पितर मन मछली खाते बहुल हुम जग देते, तुम्हार तो हम नहीं जानो भाई देते धुन नहीं देते नहीं जानो, हमार साइड ना उड़ीसा साइड पितर मन ला जे खाते पीते ना तेल देते, मान लो कर प्लेन चलते ना तो प्लेन लगलो मढ़ा दे रहते, ये ते पिया तरे मजाक नहीं करत भाई चलते तेला कहा तुम्हें आओ तग। और अक्सर होते का माता राम हो कौआ बन के आते कि के खाते कथे, हमर मन के एक प्रकार से कहना चाहिए पीतर मन है कौआ बन के आते और खाते। ऐसे एक जन लैका ला ओकर डोकरी दे के है रहेगा, रोटी रांधत रहा है बड़ा रोटी, और पीतर में बड़ा रोटी जरूरी है भाई, हाँ ना जरूरी छे, तो ओकर डोकरी दही है रांधा थे, ओकर नाती टूराइस नाती टूरा कथे दाई काय बेटा आज कैसा रोटी बना थस वो, और यहाँ का मुँह खारी और लोटम पानी करे हस, और ये काय पाँव बनाए हस फूल चढ़ाए हस, ये काय लैका मन पूछतेगा देखते तेला। अब ओकर दादी माँ कथे डोकरी दही है बेटा आज तोर बाबा आही रे पीतर बन के आही, हाँ कौआ बन के आही बेटा तोर बबल ते रोटी खवाबे, कौआ बन के आही की हिज्जी, लैका खुश अरे वाह बाबा कौआ बन के आही रोटी खवाना है,
कती में राही दादी छानी माही बेटा छानी में देखबे आही तोर दादा तोर बाबा हाँ लईका एकदम रोटी धर के तैयार है बड़ा रोटी पूरी रोटी है ना जो भी बनाए रही से रोटी धर के कौआ आते नहीं रहेगा अब बार बार लईका है कहा दाई वो काय कौआ नहीं आते बाबा नहीं आते कतका बेराही आही बेटा आही रे पटले ए दे दाई वो कथे दादी दादी काय बेटा ओ दे बाबा आगे आ आ हाओ रे ए दे रोटी निकाला तो छान के रही रही अभी तोर बाबा लईका खुश हो गए बाबा गो ए दे बड़ा खा ले पूरी खा ले देखेगा अब खुश से लईका है एक कन हो ना तहन दूसरा कौआ आग बैठ गए दू ठन कौआ लईका कथे कैसे है दाई वो काय रे बाबा मन के झान रही से है के झान रही से एक ठन रही से रे तोर बाबा यहाँ तो दू ठन हो गए वो आग बैठ गए एक ठन फट ले ये तो तीन ठन हो गए वो यहाँ अब कैसे कर ही ले बता तो सज्जनों माता पिता जब तक जिया थे ना होकर सेवा कर ले है ना मैं ऐसे नहीं कहा पिता मत मानो कि नहीं कहा भाई अन्यथा मत लो हो लेकिन जब माता पिता जिया थे ना है ना भाई जिया तदाई लुगरा बर तरस गे कथे हाँ जिया तदाई लुगरा बर तरस गे अब मरा थे तत्ला तेड़ा था सानी बानी के अक्का कन कपड़ा सोझे जला थे मरघट्टी में हाँ लेकिन जिया थे तत्का दिन लेते सेवा कर ले माता पिता के और जे माता पिता के सेवा करते ना ओला कथे श्रवण कुमार प्रेम से बोलो श्रवण कुमार की आओ एक ठन भजन सुनतन और भजन के बाद केवट महाराज कैसे पाँव ल धोवत है ना हमार सुमधुर एल्बम गायक ओंकार यादव के सुमधुर आवाज में आप सब ल सुंदर से प्यारा से भजन समर्पित है एक बार ताली बजा जयकारा लगाओ बोलो पितृ देवता की चाहे तय विधि कर ले चाहे तय अर्जी कर ले नहीं छोड़ा मैं हाथों रे सा जब तक नहीं धो तोरे पाँव चलिएगा ताली मीठी मीठी ताली क्या बात है जादू तोरे चरण मैं हाँ नहीं जानो रा जादू तोरे चरण मैं हाँ नहीं जानो रा दुनिया तोर गुण लगाए अब तो नहीं पावा पा दुनिया तोर गुण लगाए अब तो धो मैं पा
चाहे बिनती कर ले चाहे अर्जी कर ले चाहे बिनती कर ले चाहे अर्जी कर ले नहीं छोड़ा मैं हाथ तोरे चरण तोर हो ही मोरिया नहीं छोड़ा था वो तोलरा जब तक नहीं धोही तोर हो चरण तुर धोही मोरिया 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 रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो केवट महाराज की जय। थोड़ा जोरदार हा जय बोलाए करो अभी बार यह नींदा ना सके नींदा ना सके नींद आधे ना नींद आधे तेल भगाए के एक ठन दवाई जोर से जय बोला दे। प्रेम से बोलो पितृ देवता की जय। जल्दी वालों जय। गुरुदेव महाराज की जय। झटका के साथ आओ सज्जनों बड़ा सुंदर कथा चला थे केवट महाराज जी है। अब जे जानते थे तानते जी वो जाना थे मरमला और मरम काला कथे रहस्य रहस्य ल कथे मरम और भगवान के रहस्य ल शेष दिनेश गणेश सुरेश आदि न पावही पारा तो कर पार ल कोई नहीं पा सकी जी। केवट महाराज कहा थे मैं तोर पार ल पा गये प्रभु है मैं जाना तो तोर मरम ल दादा। आओ सेवाराम साहू जी आदरणीय और ओमिन बाई साहू घनश्याम साहू आरती बाई साहू की तरफ से सादर 50 रुपया के सप्रेम भेंट। एक बार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा आप सभी धन्यवाद। साथ ही साथ स्वर्गीय शंकर लाल साहू की स्मृति में स्वर्गीय बसंता बाई साहू की स्मृति में स्वर्गीय मोहन लाल साहू की स्मृति में साहू परिवार आदरणीय श्री तातुराम साहू जी रामकली बाई साहू सरस साहू शारदा साहू आप समस्त साहू परिवार की ओर से 50 रुपया के सब प्रेम भेंट। एक बार और जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मी भूला जाता हूँ जय ठीक है सुरता कराया करो तब मरम काला का थे वो जे कोई नहीं जाने हाँ जेला। अब जैसे मैं यहाँ आए हूँ एक ठन बात है मोर बारे में अभी अतकी जाना था कि ये रामायण पढ़ते ये टीका कथे अब कुछ जाना तो मोर मरमला मोर मरमला नहीं जाना तो अचानक मोल कोई मिल जाही जाओ भैया मैं तोर मरमला जाना तो या कैसे जानदार है भैया इसकी मैं हड़बड़ा नहीं जाऊं जी ओ उला कहा तो गा मरम काला कथे जे भैया जे जानते ते तानते हाँ। एक जन गुरु जी पढ़ाए अब अगला उदाहरण से समझा तो समझो गुरु जी हा अक्का जोरदार पढ़ाए लैका मल्ला सब खुश रहा जी हाँ। ओकर पढ़ाए लैका मन कोई कलेक्टर बने हैं कोई मंत्री बने हैं कोई अब बड़े बड़े पद में गए हाँ। अब वो गुरुजी रिटायर होइस गा रिटायर होइस ना तहन गांव भर के मन कथे गुरुजी के सम्मान करते न का है ना भाई गुरुजी के सम्मान करते न का जी मास्टर के गांव भर के लैका मन ला पढ़ाए लिखाए है और रिटायर हो गए बेचारा है नी तो गांव भर मिल के कम से कम एक ठन साल ला दे दे थे जिया थे अभी गुरुजी है नी सम्मान करते इनका तो दो चार जन मन कहते मास्टरेज के काबर सम्मान करवोगा मास्टरिन लग हलो सम्मानित करवो हाँ वहू बिचारी एक ठन लुगरा दे देवो कोसा के साड़ी नहीं मास्टरिन लग हलो दे देवो भाई है ना ऐसे चलो ठीक है क्या बात है कि मीटिंग राखी सब कोई फाइनल हो गए अवैया एतवार के ना गुरुजी के मास्टर और मास्टरिन के सम्मान करबो जाग बता जो जी की तो चार जन आदमी मन समिति के गिन गुरुजी लगते गुरुजी काय हमन तोर सम्मान करबो भाई
लेकिन तोरे च नहीं मास्टरिन घलो आए लागही ओकरो सम्मान करबो ठीक है। एतवार के ना घूमे घामेल मत जाबे ते हां आओ बेमे तरह मत जाबे बेरला मत जाबे रायपुर रायपुर मत जाबे ठीक है घरे में रहबे भाई कार्यक्रम है बढ़िया ऐसे की बढ़िया है की। लेकिन दू शब्द बोले लागही दोनों कोइला हां मास्टरिन घलो दू शब्द बोलही भाई कथे अब कई के ओमन चल दिन गुरुजी हाउ कदीस गा। अब गुरुजी तो बोलने वाला है पढ़ाने वाला गुरुजी फटाफट भाषण नहीं बोल दी वो मास्टरिन कथे मैं काला गोठिया हूँ हाँ मंच में जाऊँ ता मोला कुछ सिखावे था तो अवते तो अंग्रेजी पढ़ाता अंग्रेजी में बोल देबे हिंदी में बोल देबे महुल कुछ सिखाता तो तब मास्टर कथे देख मास्टरिन तोला जे चीज ला मैं सिखो थो ना ओला ते हम मंच में जाग बोलबे ओतकीज बोलबे बस देखबे कतका खुश हो जाई पूरा पब्लिक खुश हो जाई हाँ काय बोलूं तब मास्टर कथे तोला मंच में जाके एक लाइन बोलना है ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ हस्बैंड मतलब घर वाला वाइफ मतलब घर वाली होते है ना। और मोर दहन अंगरी करवे भाई हाँ अंते दहन अंगरी मत करवे अंगरी मोर दहन करवे तब बन ही ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ एला तेहर रटदार की तो मास्टरिन है ना रोज के ओला रटेक चालू कर दी बर्तन मांजत रहा है ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ और फिर बर्तन ला राख दे साग भात रांधा थे ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ हट साग चूर के भात चूर के ओला रट रट के तीन दिन में ना पूरा तैयार हो गए। अब पारी आईसगा मंच में बलाइस मास्टर मास्टरिन ला सम्मान करे भर गांव भर के पब्लिक मन खचा खच भरे है ऐसने तुम्हार सांकरा गांव है ना ऐसने बड़े जान गांव है पूरा भरे है मंच में खचा खच आदमी मुड़ीच मुड़ी दिखत है मास्टरिन कहते दत्ता रे मइनसे बब्बा रे मइनसे अतका झन के बीच में अब कुछ नहीं होए चल चल मास्टर वाला थोड़ा हिम्मत दिलातेगा चल चल कुछ नहीं हो सब बनता है ऐसे की के। अब बैठीस मास्टर लबलाइस मास्टर फटाफट बोल दिस है ना अंग्रेजी में बोल दिस हिंदी में बोल दिस अब मास्टरिन लबलाइस आइए मास्टरिन दो शब्द बोलिए ऐसे की तहन मस्त मुँह लढ़ाक के आई काला गोठिया उसने तो ऐसे की आई काला गोठिया हूँ की अब मास्टर का मैं कहे हूँ तेल कबे ये मेरा हस्बैंड मैं इसकी वाइफ मत भुला भी ठीक है हाँ नहीं भूला ऐसे की भूला कर समझे इस मोला अब बिच्चे बोला तो किस चल दी इस मंच में माइक ल धरीस होश गायब हो गएगा होश गायब हो गए दिमाग घूम गए होकर अब माइक में का बोलीस ये मेरा हैंड पंप मैं इसकी पाइप ये मेरा हैंड पंप मैं इसकी पाइप इतना ताली बजाई इतना ताली बजाई सब कोई जत का बैठे रहे थे मना मास्टर मुड़ धर के बैठ गए ते मोल बोरिंग बना दे रे हैंड पंप बना दे ऐसे ठीक है कहे हस बिना पाइप के बोरिंग नहीं चल सकता ऐसे ही जिंदगी में बिना पति पत्नी एक दूसरा के पूरक रहते भैया है ना पति है पत्नी बिना नहीं चल सके न पत्नी है पति के बिना वो जिंदगी जीते अलग बात है लेकिन ना एक दूसरा के सहारा है ना वाजिब में वो भले गलत की ही हैंड पंप और पाइप लेकिन जीवन की ही सत्यता है। आओ सज्जनों आज पावन कथा प्रसंग पितृ मिलन के अवसर में केवट जी के चलत है केवट अपन केवटिन लबलाइस चल रहे आज पांव धोए के मौका मिले है काकर भगवान के बहुत कम आदमी मिलते और भगवान के पांव ला कौन कौन धोई जी सबसे पहली जनक जी धोए हैं जनक जी है ओतीना दमान मन के पांव ला धोए जाते ससुर मन दमान के पांव धोते जनकपुरी में जनक जी धोईस है ना ओकर बाद केवट महाराज धोए है माता सबरी आंसू से धो दीस है ना ऐसे ऐसे भक्त मन है भगवान के पांव ला धोए का अवसर राजा बलि धोए है ना भाई। तो आओ सज्जनों ये सुंदर से कथा प्रसंग लागे बढ़ावो लेकिन एक छोट कुन भजन के साथ आप सब भजन में आनंद लो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहे भरोसा जन गाने के हो
सुंदर सुंदर गाया तेरा छोड़ जगत के माया तन लमाली हरी गुन गाले तर जही चोलरे के मुख
लिखनी बना ले सुंदर राम कहानी मन अमृत का सरस भरे हवेरे ये तुलसी के पानी मन माटी के काया माटी मा जाही रे हो माटी के काया माटी मा जाही रे तोरे सुंदर सुंदर काया माया तुझ सुंदर सुंदर गाया तन छोड़ जगत के माया तन रमाले हरि गुण गाले कर जहि चोलरे तन रमाले हरि गुण गाले कर जहि चोलरे काहे भरोसा ये तोर जिंदगानी के हो काहे भरोसा ये सुंदर सुंदर काया तै छोड़ जगत की माया तोरे सुंदर सुंदर काया तै छोड़ जगत की माया तन मन माले हरि गुण गाले कर जहि चोलरे तन मन माले हरि गुण गाले कर जहि चोलरे तन मन माले हरि गुण गाले कर जहि चोलरे 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 काहे भरोसा ए सुंदर सुंदर काया तैहा छोड़ जगत के माया तन मर माले हरि गुण गाले तर जहि चोरे लखन सियारा चंद्र की